राज करने वाला और राहुल गांधी के यात्रा में शामिल हुए हैं और उनके जैसे चहेते उनसे मिलने के लिए बेकरार है। कमल हसन दिलों को धड़कनों में समाते हैं, जिस पर राहुल गांधी और उनके गाड़ी के पास में सुने और ये नजारा तो इतिहास रच रहे हैं राहुल गांधी और कमल हसन इसमें शामिल होकर। सीधे मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए उनके साथ एक पलक झलक दिखाने के लिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर जिस तरह से ये कमल हसन जिस तरह से इस पद यात्रा का सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं इतिहास लिखी जा रही है। और कमल हसन का एक्सक्लूसिव मैंने आपको एक विजुअल दिखाया और ये इतिहास जो कमल हसन एक तरह से कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर रचे हैं और इतिहास गवाह रहेगा कि जब जब जरूरत पड़ता था हिंदुस्तान को कमल हसन जैसे एक्टर जो कि बॉलीवुड के जो गोदी बॉलीवुड बना हुए हैं उससे निकल कर एक तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर बात करें युवाओं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। कमल हसन का इस यात्रा में जुड़ना कितना ऐतिहासिक रहेगा और जिस देश में नफरत का माहौल है उसमें मोहब्बत, बॉलीवुड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कलाकार वो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, कमल हसन का इस यात्रा में जुड़ना कितना बड़ी बात है? इस यात्रा में जुड़ना बहुत बड़ी बात है और देखिए जिस तरीके से आज बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है और ये नफरत के बीच एक प्यार की लड़ाई जारी है और हमारे पूरा जितने युवा हैं वो सब राहुल गांधी जी की ओर आ रहे हैं। जितनी उनके बारे में झूठी बातें फैला जा रही थी आज वो सब सच सामने आ गया है और पूरा देश एक साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और इस दमन सरकार का 2023 के 24 के चुनाव में इसका परिणाम भी देखना पड़ेगा। ये अडानी अंबानी की सरकार है और निश्चित रूप से ये सरकार देखिए जितने भी हिंदुस्तान के स्टार्स हैं सब इस यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है। इसको पूरे भारत को जोड़ने के लिए इसको निकाला जा रहा है और राहुल गांधी जी 108 दिन से लगातार इस यात्रा के लिए कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकले हैं और पूरे भारत को जोड़ते जा रहे हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर कमल हसन का एक झलक पाने के लिए और पूरा एक साउथियन कम्युनिटी भी यहाँ पर आया और कहीं ना कहीं जो इतिहास रची जा रही इस दिल्ली की सरजमी पर और कहीं ना कहीं जद्दोजहद हो रही है इसमें गवाह और एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं यहाँ पर कमल हसन। व्हाट यू वांट टू से अबाउट कमल हसन सो ज्वाइन दिस पद यात्रा फॉर लव एंड पीस एंड यूनाइट इंडिया, व्हाट यू वांट टू से? One of the great leaders of Indian politics. He will do a lot of new things to India and he will cooperate with our Rahul Gandhi. Okay, thank you so much. So, also here, South Indians and many of so, I would like to ask Kamal Hasan. Kamal Hasan, join this pad yatra. What do you want to say about this yatra? Will be revolutionary change for India. No, this is for the integration of the nation to preserve the integrity and solidarity. We Makkalnidhi Mayam with the president, Mr. Kamal Hasan, are joining. Okay. To save democracy. Okay. Do you think right now is like Hindutva ideology is like spreading hatredism? This is enough time? Yeah, this is the time that we should fight for unity. Yeah. The divisive forces are brought in and they are dividing the country. This march is to unite country, so we are joining. One message for as Indian for unite against hatredism. No, this is no secularism, socialism, all these things to be preserved to unite India. Regionalism should also be shared and we are not for central taking over everything and privatizing. Thank you so much. So, जैसे कि कमल हसन इस यात्रा में शामिल है उसके बाद से जो इस यात्रा और जिस तरह से एक तपस्या के तौर पर जो यात्रा हो रही है, गांधी जो महात्मा गांधी थे जब भी देश को जरूरत होता था वो पद यात्रा कर लेते थे और समान स्थिति हो जाता था, लेकिन ये जो यात्रा जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो एक तरह से कट्टरपंथ टाइप्स के लोग जो बैठे हुए हैं उसे एक मैसेज देना है कि ऐसा नहीं चल सकता है। हिंदुस्तान एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, उसमें सबको हराने का हक है।